नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। साल 2018 कई मायनों पे खास रहा और बॉलीवुड की बात की जाए तो कुछ फिल्में दर्शकों के उम्मीदों पर खरी उतरी और कुछ फिल्मों ने काफ़ी निराश किया। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 5 फिल्म्स की जो दर्शकों को काफ़ी पसंद तो आई, साथ में आपको बॉक्स ऑफिस में भी उसने अच्छा कलेक्शन किया। सबसे पहले नंबर आता है 2.0 का। 2.0 आप जानते हैं, रजनीकांत की मूवी, शंकर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन सबसे खास बात अक्षय कुमार पहली बार किसी साउथ की फिल्म के लिए काम कर रहे थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार ने पहली बार कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया था और ये फिल्म आपको साल के अंत में रिलीज हुई, लेकिन शानदार कलेक्शन, दर्शकों को काफ़ी प्यार मिला और आपको बता दें 700 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया। तो बहुत ही अच्छी फिल्म रही, बॉक्स ऑफिस के लिए काफ़ी अच्छी रही, लेकिन इस फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा था, 500 करोड़ का बजट था। अब हम आपको बता दें दूसरी सबसे अच्छी फिल्म पद्मावत रही। पद्मावत आप जानते हैं काफ़ी कंट्रोवर्सी, करनी सेना फिल्म का काफ़ी विरोध, बसों का जलाना, बसों पर पथराव, बहुत सारी धमकियां, फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, उसका असर काट देंगे, कई सारी आपको खबरें आई, लेकिन फिल्म जब रिलीज़ हुई तो दर्शकों को, दिलों को जीत लिया। संजय लीला भंसाली अपने क्लास काम के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में उनकी क्लास दिखी। और आप जानते हैं रणवीर सिंह अपनी एनर्जी, अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जो किरदार उन्होंने निभाया वो उन्होंने पूरे दिल से निभाया और इसका परिणाम भी मिला, बॉक्स ऑफिस में 585 करोड़ से ज़्यादा कारोबार, फिल्म दर्शकों के दिलों पर छा गई। तीसरी अगर हम बात की जाए कौन फिल्म इन दोनों के बाद सबसे ज़्यादा दर्शकों को पसंद किया, वो फिल्म थी संजू। आप जानते हैं संजय दत्त पर बनी हुई बायोपिक, रणवीर कपूर का शानदार अभिनय और आपको जो डायरेक्शन था वो आप जानते हैं राजू हिरानी का, लेकिन फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, 580 करोड़ से ज़्यादा इसका भी कलेक्शन रहा, लेकिन इस फिल्म को जितना दर्शकों ने प्यार किया, लेकिन एक तबका ये भी था जो कह रहा था ये फिल्म नहीं, एक तरीके की PR है आपको संजय दत्त की, जो संजय दत्त का इमेज है उसे साफ़ सुथरा करना चाहती है, और बहुत लोग यहाँ तक कह गए राजू हिरानी ने अपनी दोस्ती निभाई। तो ये भी फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, संजय दत्त की लाइफ के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिला, लेकिन ये फिल्म कितना सच्ची थी, बायोपिक के हिसाब से अगर मानी जाए कितनी सच्चाई थी इसमें और कितना इमेज सुधारने का काम था, ये संजय दत्त ही जानते हैं और जो उनके करीबी वही जानते हैं। और हम अगर बात की जाए चौथी फिल्म की, तो आप जानते हैं 2017 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, आपको सलमान खान की फिल्म थी, अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था, लेकिन उस फिल्म का जो क्रेज़ है वो आपको 2018 तक रहा, सलमान खान कैटरीना कैफ की मूवी टाइगर जिंदा है, ये भी फिल्म काफ़ी शानदार रही। आप जानते हैं सलमान खान का अपना एक स्टाइल है, स्टारडम है, और वो दर्शकों को खींचता है, और जब जब वो कैटरीना कैफ के साथ आए हैं तो एक दर्शक, आप जानते हैं वो एक चुंबकीय आकर्षण हो जाता है कि चलो सलमान खान कैटरीना कैफ है, शानदार म्यूज़िक है, एक्शन है, तो दर्शक आ ही जाते हैं। तो इस फिल्म ने भी आपको दर्शकों का दिल जीता भी, लेकिन साथ में इसने अच्छा कलेक्शन भी किया। आपको बता दें ये भी मूवी को 580 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया। और पांचवी फिल्म की बात की जाए तो बॉक्स ऑफिस इसे नहीं नाप सकते, ये फिल्म आपको आलिया भट्ट की क्लास एक्टिंग, मेघना गुलजार की क्लास डायरेक्शन के लिए जानी जाती है। आप जानते हैं कितनी शानदार फिल्म बनी राजी, आपको कैसे एक वुमेन स्पाई की फिल्म थी जो ओरिजिनल कहानी पे बेस्ड थी, कैसे एक इंडियन स्पाई रहती है जो कश्मीर के एक मिलिट्री ऑफिसर से शादी करती है और कैसे इंडिया के रॉ के लिए काम करती है, तो बहुत ही शानदार ये भी फिल्म थी, 200 करोड़ ज़्यादा कमाई। लेकिन अगर बात की जाए ऐतिहासिक तौर पर किसी भी वुमेन प्रोटैगनिस्ट, जो महिला आपको केंद्र किरदार हो और वो फिल्म इतना शानदार कारोबार करे तो बड़ी बात है। तो राजी थी पांचवी सबसे बड़ी फिल्म जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। लगातार हम बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।